बनाते हो। अभी आसान तरीका क्या है वजन कम करने का, डायबिटीज प्रिवेंट करने का? सबसे पहली बात, जब आपको कड़ी भूख कब लगती है, वो दो समय आपको खाना खाना है। आमतौर पर हमको दो बार अच्छी भूख लगती है। बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि अच्छी भूख क्या होती है, तो भूख लगने से पहले ही खाते हैं। तो दुनिया में दो पैटर्न है, एक है सुबह 9 शाम को 6, दूसरा है दोपहर 12:30, एक रात में 8:30। किसी भी पैटर्न से आप चालू करो, 8-10 दिन में आपको पता चलेगा कि आपकी भूख 9 बजे नहीं है, 10 बजे है, 11 बजे, जो भी। एक बार खाना उसी टाइम पे आपको हमेशा खाना है, 15-20 मिनट आगे पीछे किया तो चलेगा। एक बार खाना खाने बैठे तो 55 मिनट में खाना खत्म करना है। 55 मिनट खाना खाओ ऐसा मैंने नहीं बताया, नहीं तो कल से 55 मिनट खाना खाओगे। 55 मिनट क्यों? क्योंकि 55 मिनट में इंसुलिन एक ही बार बनेगा, 55 मिनट से ज्यादा खाओगे तो 2 बार बनेगा, इसलिए हमको 55 मिनट के अंदर खाना है। 2 खानों के बीच में कुछ भी मत खाओ। ये जब डायलॉग बोलता हूं तो उसके बाद में मुझे शोले का डायलॉग याद आता है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? लोग बोलते हैं सर ये आपके लेक्चर का बहुत खतरनाक सेंटेंस है, क्रूएल सेंटेंस है, बोलते हैं हम तो इतनी बार खाते हैं कैसे जमेगा आपको। लेकिन ये 8-10 दिन की बात है, 8-10 दिन में आप सेटल हो जाओगे। 2 बार खाना खाओ, बीच में पानी पियो। खाने में मीठा जितना कम खाओगे उतने सेहत के लिए अच्छा है। डायबिटीज वाले तो बिल्कुल मत खाओ, बाकी के लोग भी जितना कम खाओगे उतना सेहत के लिए अच्छा है। और खाने में प्रोटीन्स बढ़ाओ। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं है, चिकन मटन फिश सभी में अच्छे प्रोटीन्स है, लेकिन जो वेजिटेरियंस है उनको प्रॉब्लम है। चपाती खाएंगे तो 11%, चावल खाएंगे तो 9%, दाल खाएंगे तो 20%, कम प्रोटीन्स। अब क्या करना है आपको? 4 चपाती खाते हो, 1 चपाती कम करो, 1 वाटी दाल खाओ, 1 वाटी स्प्राउट खाओ, चीज खाओ, पनीर खाओ, मूंगफली खाओ, काजू खाओ, जो भी। तो इससे प्रोटीन थोड़ा बढ़ाने हैं और कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम करना है। तो क्या बताया मैंने आपको, कड़ी भूख कब लगती है 2 टाइम आइडेंटिफाई करो, 2 टाइम को खाना खाओ। एक बार खाना खाने बैठे 55 मिनट के अंदर खाना खत्म करो। खाने में मीठा जितना कम करोगे उतना अच्छा, और खाने में प्रोटीन्स बढ़ाओ। 2 खानों के बीच में क्या ले सकते? पहली चीज है पानी, दूसरी पतली छाछ, घर में बनाई हुई पतली छाछ। 2 चम्मच दही कर्ड ले लो, उसमें 200 ml ग्लास, 200 ml छाछ बनाओ। अगर आपको अच्छा लगता है तो ग्रीन टी, ब्लैक टी भी ले सकते हैं। 25% दूध, 75% पानी वाली पतली चाय भी पी सकते हो। किसी में भी शक्कर या शुगर फ्री नहीं डालना। नारियल पानी पी सकते हो, मलाई नहीं खाना है उसमें। बोलोगे 40 रुपए का नारियल लाया, मलाई वेस्ट कैसे करने का? याद रखो, ये वेस्ट कैसे करने का से महाराष्ट्र में 80% महिलाएं मोटी हो गई है। वेस्ट कैसे करने का? मैंने वेस्ट करने के लिए नहीं कहा। कब खाओगे? एक बाउल में रखो, दोपहर या रात के खाने में खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ज्यादा से ज्यादा 1 टोमेटो दिन में खा सकते हैं। इतनी चीजें खाने को आपको परमिशन है। अब यही चीजें क्यों? क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट हमने खुद के ऊपर किए और लोगों के ऊपर किए, इससे पता चला कि इन चीजों से इंसुलिन नहीं बनता शरीर में, इसलिए आपको ये पदार्थ मैंने अलाउ किए। अब कल से ये डाइट प्लान शुरू करोगे तो दिक्कत क्या क्या आ सकती है? सबसे पहला गहन प्रश्न लोगों का है कि सुबह की शक्कर की चाय कैसे छोड़ूंगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं, कोई भगवान का व्रत ले लीजिए, ऐसे समझे व्रत कर रहे हैं, और 8 दिन, सिर्फ 8 दिन बगैर शक्कर की चाय पी। मैं आपको यकीन देता हूं कि 9वें दिन आपको शक्कर वाली चाय अच्छी नहीं लगेगी।
क्योंकि शुगर का एडिक्शन होता है, वो 8 दिन में निकल जाता है। कुछ लोग बोलेंगे हमको चक्कर आए तो क्या होगा, हम इतना दिन भर काम करते हैं। लेकिन याद रखो, जिस व्यक्ति का वजन 65 किलो है उसमें 13 किलो फैट्स या चर्बी होती है, यानी कि 120,000 कैलोरीज का एनर्जी उसके पास है स्टॉक। दिन में आपको लगता है 2000 कैलोरी, तो अगर 60 दिन आपने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ पानी पिया, तो भी आप मरोगे नहीं, ये मैं बॉन्ड पेपर पे लिख के देने को तैयार हूँ एक डॉक्टर ने कहा। तो कोई चक्कर नहीं आता, साइकोलॉजिकल है, पानी बहुत पियो। सब एक्सपर्ट बोलते हैं ब्रेकफास्ट करो ब्रेकफास्ट करो। आपको बता दूं कि संस्कृत भाषा में ब्रेकफास्ट के लिए कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि हमारे संस्कृति में रामायण पढ़ो महाभारत पढ़ो कोई भी ग्रंथ पढ़ो, उसमें सिर्फ लोग भोजन करते हैं, कोई स्नैक्स का कोई मेंशन नहीं है कहीं पर भी। और हमने आपको ब्रेकफास्ट लंच डिनर, हमारे ये वर्ड्स हमारे पास नहीं है, हम बोलते हैं पहला खाना दूसरा खाना। इसके टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, अगर आपको सुबह 8 बजे भूख लगती है 8 बजे पहला खाना खाओ, आप उसको ब्रेकफास्ट बोलो हम उसको पहला खाना बोलेंगे। ब्रेकफास्ट बोलो लंच बोलो डिनर बोलो वो आपकी मर्जी, हम बोलेंगे पहला खाना दूसरा खाना बस। और दो खानों में कितना गैप होना चाहिए इसका भी कोई नियम नहीं है, जब आपको कड़ी भूख लगती है वो 2 टाइम आप खाना खाओ, इतना सिंपल है। कुछ लोग बोलते हैं मेरे मसल्स कम हो जाएंगे क्या, मसल्स मतलब प्रोटीन्स, और अगर आपके शरीर में से 1 किलोग्राम प्रोटीन खत्म हो जाएंगे तो आप मर जाओगे, इसलिए आपका शरीर कभी भी ऊर्जा के लिए प्रोटीन्स यूज नहीं करता है, ग्लूकोज या फैटी एसिड यूज करता है। प्रोटीन कब यूज करेगा, जब आप 15 दिन भूखे रहोगे, तो जब शरीर को कोई चारा नहीं है दूसरा तो वो प्रोटीन्स खाएगा। इसलिए जो आदमी 2 बार खाना खाएगा उसके प्रोटीन्स कभी नहीं खत्म होंगे, उसके मसल्स कभी नहीं कम होंगे। एसिडिटी होगी क्या आप में से कितने लोगों का है, डॉक्टर ने क्या बताया आपको, थोड़ा थोड़ा खाओ और गोली खाते रहो, ऐसे किसी की एसिडिटी कम हुई क्या आज तक, किसी की भी कम नहीं हुई, कभी होगी भी नहीं कम, क्योंकि एसिड सिक्रेशन भी इंसुलिन जैसा ही है, जब आप खाओगे तो थोड़ी मात्रा में निकलता है, और अगर आप एक ही बिस्किट खाओगे तो थोड़ा एसिड यूज होगा, थोड़ा बचा रहेगा, अब एसिड बचा रहेगा स्टमक में तो एसिडिटी करेगा। और अगर 2 बार आप ठीक तरह से खाना खाओगे तो आपके शरीर को कितना एसिड प्रोड्यूस करना है ये समझेगा, एडजस्टमेंट करने का टाइम मिलेगा। इसलिए जो लोग 2 बार खाना खाते हैं उनका एसिडिटी का प्रॉब्लम निकल जाता है। दवाइयाँ लेना पड़ता है, ये भी किसी लोगों का प्रॉब्लम है, जो महिलाओं को हाइपोथायरॉयडिज्म है उनको डॉक्टर ने क्या बताया कि सुबह खाली पेट मेडिसिन खाना है थायरोक्सिन खाओ, ये डाइट प्लान में उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको ब्लड प्रेशर की गोली है, किडनी की है, इसकी अलग अलग टाइप की बीमारी है उसकी गोली है, या तो दिन में 1 बार या 2 बार है, तो पहला खाना दूसरे खाने में एडजस्ट कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं। फल कब खाऊं दूध कब पीऊं, तो आपको बताता हूं कि खाने जब बैठोगे तो खाने में सीक्वेंस क्या होना चाहिए। खाने की शुरुआत आप करो फल से या ड्राई फ्रूट से या मिठाई से, उसके बाद में सैलड खाओ, फिर स्प्राउट खाओ, फिर चपाती सब्जी चावल और दाल खाओ, उसके बाद में दूध पियो। कल से गोंदिया में लोग क्या ढूंढ रहे हैं, दीक्षित थाली। लेकिन आपको बता दूं कि ये हर खाने में ये पूरा खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब खाओगे तो ये सीक्वेंस है, मैंने आपको बताया। तो आपके सभी सवालों का मैंने लगभग जवाब दे दिया है। इस दुनिया में वजन कम करने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, कोई भी मेडिसिन से हमेशा के लिए वजन कम नहीं होगा, इंटरनेट पे बेल्ट वगैरह बेचते हैं उससे कभी वजन कम नहीं होगा। आप डाइट प्लान करके चालू करोगे फिर 8 दिन के बाद मुझे फोन करोगे, सर 8 दिन हो गए अभी तक कुछ नहीं हुआ, 8 दिन में कुछ नहीं होने वाला, आपका वजन बढ़ा कैसे तरह देखो। औरत बोलती है कि शादी के टाइम मेरा वजन था 48 किलो, पहली डिलीवरी के बाद बन गया 58 किलो, दूसरी डिलीवरी के बाद 68 किलो,
और अभी सब सेटल हो गया तो अभी 78 किलो पे आके गाड़ी रुकी है। शोर क्या बोलता है, मेरा शादी के टाइम 52 किलो था, अब ये फैमिली को देखते देखते मेरा अभी 82 किलो हो गया। तो वजन बढ़ने के लिए 20 साल लग गए, 15 साल लग गए, 30 साल लग गए, तो गवाने के लिए 2 साल तो देना पड़ेगा कि नहीं? मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाऊंगा वजन कम होगा, लेकिन 1 महीने में पता चलेगा कि आपकी डायरेक्शन सही है, आपको फ्रेश लगेगा, नींद अच्छी आएगी। कुछ लोगों के कपड़े लूज भी हो सकते हैं, लेकिन वजन कम होगा इसके लिए 3 महीना आपको करना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं कि आपके इतने बड़े जिंदगी से मेरे लिए 90 दिन दे दो, ये प्रयोग 90 दिन करो, फायदा हुआ इसको लाइफस्टाइल बनाओ, फायदा नहीं हुआ 91 दिन करने की जरूरत नहीं। डायबिटीज के पेशेंट भी ये डाइट प्लान कर सकते हैं, लेकिन करने से पहले उन्होंने 2 टेस्ट करना चाहिए, HbA1c और फास्टिंग इंसुलिन, क्योंकि HbA1c से हमको 3 महीने का एवरेज ब्लड ग्लूकोज समझता है। ये 2 टेस्ट करना जरूरी है, ये 2 टेस्ट करके जो मैं नंबर दूंगा बाद में उनको आपने व्हाट्सएप के ऊपर रिपोर्ट भेजना है। अगर हमने बताया कि डाइट प्लान करो तो यकीन आपको फायदा होगा। अब डायबिटीज वालों का डाइट प्लान और वेट लॉस वालों का डाइट प्लान, इसमें बहुत थोड़ा फर्क है। फर्क क्या है, जिनको डायबिटीज है उन्होंने 2 खाने में भी, भोजन में भी मीठा नहीं खाना है और मीठे फल नहीं खाना है, और 2 खानों के बीच में इनको सिर्फ 3 पदार्थ अलाउड है, एक है पानी, दूसरा है पतली छाछ, तीसरा है ग्रीन टी या ब्लैक टी, किसी में भी शक्कर या शुगर सब्स्टिट्यूट नहीं डालते। ये HbA1c फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट का